जय माँ कर्णिशा, आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे व्लॉग में। और आज का जो मेरा व्लॉग है, आज है ना मतलब ना मेरी कटिंग करवा के लेके आ रहे हैं दोनों के दोनों। बहुत बार मैंने बोले लेकिन मेरी कटिंग करवा के नहीं लेके आए, तो आज मेरी कटिंग करवा के लेके आए क्योंकि मेरे बाल थोड़े से बहुत लंबे हो गए और मेरा इवेंट है ना, मतलब थोड़े दिन बाद में। दीदी क्या देख रही हो? थोड़े दिन बाद में मेरा इवेंट है ना, तो इवेंट के लिए मेरे बाल को मेरी कटिंग करवा के लेके आ रहे हैं। तो आप सब चलोगे मेरे साथ में? क्या मम्मी को नहीं बताना कि हम बाल कटिंग करवा के लेके आ रहे हैं, इसलिए बबू से बोल रही है कि चिल्लाओ मत, धीरे धीरे बोलो। तो अपन चलते हैं हेयर कट करवाने के लिए। यो मजे आ गए, इतने दिन बाद मेरे पापा से हेयर कट होगा, लेकिन मैं कराऊंगी वो वाले। चले हम लोग स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, अनीता मैम ड्राइव करेंगे क्योंकि मेरे को पापा ने डांटा सुबह सुबह मेरी गाड़ी के लिए। मैं बताऊंगी नहीं क्यों डांटा, लेकिन सुबह डांटा तो उन्होंने बोला तेरी गाड़ी खड़ी कर दे चुपचाप से। तो आज हम लोग स्कॉर्पियो से जाएंगे और अनीता मैम ड्राइव करेंगे और सबसे पीछे बब्बू बैठेगी और सबसे आगे मैं। चलो लेट्स गो। ये रही हमारी स्कॉर्पियो और ये अनीता मैम की सबसे फेवरेट गाड़ी है, इनको बहुत पसंद है। और ये मेरे को से बता रही कल ये लोग ब्याह में जिम में गए थे तब इन्होंने किसी से रेसिंग लगाई थी और ये जीत गए थे, है ना। और मैं बैठूंगी सबसे आगे। तो पता है क्या बोले? हाँ, वो जो हमसे रेस लगा रहे वो क्या कहते हैं यार, आपकी ड्राइवर बड़ी खतरनाक है। ड्राइवर हमारी ड्राइवर खतरनाक ही है। लेके आए हैं मेरा जैकेट क्योंकि मेरी इवेंट के लिए मेरे को ड्रेस करवानी है ना, तो ये उसके मेजरमेंट देंगे, मतलब हम मेजरमेंट देके आएंगे। और इसमें क्या है, रेड कलर की पोटली में सोना चांदी गहना। ओके, ढंग से गेट बंद करके आना। टायर तो कियो भी को देख, तो टायर जवाब मांग रहे तो देख ले, चल देख ले। मेरी बेबी कटिंग करवा के लिए ना, कटोरा कटिंग करवा ले, कटोरा कटिंग करवा। नहीं सकती मैं कैमरा पर कि मैं तेरे क्या करवा के लाऊंगी। बोल दो मैं डालूंगी नहीं, मैं पोस्ट करूंगी वाला पक्का प्रॉमिस। तो पहले तो ये है हमारे रावण गेट की गलियां, हमारे बचपन की गलियां, हमारे अनीता मैम और बेबू भैडा की बचपन की गलियां। विभिन्न नहीं रहते हैं बचपन की। गुड्डू जा रही थी, मैंने पहचान लिया, आप नहीं पहचाने? वो गुड्डू है पक्का, कंफर्म है। कौन सी गुड्डू है? सामने रहती है जो हमारे सामने से रहती है। हाँ, तनवीर भैया जीवन बबू अब तो बढ़िया चाल रहे आप लोग बीच माता है ना। 2019 में से आप यहाँ के इंसान से जार में, आप मेरे फोन में बहुत सुंदर दिखते हो। कोई बात नहीं, पर 2019 में जार में यहाँ की लड़कियों भिड़ी भगवान बाक्षिता को काम दे। आप मैम से वही दुकान पे जाके मिल लो, मैं मिलके नहीं ए, मैं कदे फोटो के जवाब में मैं शर्म आऊंगी आप लोग ना मना डर वाला है। हर चीज में फोन कर बना आके काम कर ली, पर ली मैंने क्या गाने चला ली, क्या चला लो। इधर से जाओगे, इधर से जाओगे, अरे भाई बड़ी हो गई। यहाँ से सीधे 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 चलते जाएंगे ना, सीधे सीधे चलेंगे, सीधे सीधे चलने के बाद में आएगी मार्बल मंडी। मार्बल मंडी से राइट लेने पर आती है कन्नी फैशन। सीधे सीधे चलते जाएंगे, सीधे सीधे चलते जाने के बाद में आएगी अभी मार्बल मंडी। ये जो बीच में चौराहा आ रहा है
ये जो चौराहा आ रहा है यहाँ से आप लोग अगर राइट लेंगे तो यहाँ से आप लोगों को सीधे जाके मिलेगी कन्नी फैशन। यो 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 रतन सिंगा बच के मिले लिए बस यहाँ से राइट ही लेना होता है, यहाँ से राइट लेंगे तो फिर कन्नी फैशन आ जाती है। हम लोग जाएंगे ना, हम लोग जाएंगे लेफ्ट, इधर आती है कन्नी फैशन, इधर हम लोग जा रहे हैं। वागो खातीपुरो अटे रतन भाई रिया करे खातीपुरा को मायने, ई खातीपुरा को मायने रिया करे रतन भाई। लाल गाड़ी तीन ताली बजा दो, मरून है खातीपुरा की गलियां। जल्दी से ले लो, आप अच्छी रील बनाते हो। थैंक यू। तो हम लोग आ गए हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? बालों को सही कर रहे हैं। आप भी हेयर कट कराओगे? ऐसे कोई करता है भला? आप हेयर कट कराओगे? काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत देखकर, आप और आपका व्लॉग। मैं तो करवाऊंगी भाई, मेरे को कराना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं, किसी ने बोला इवेंट वाला कि आपको नहीं बुलाएंगे। थोड़ा बहुत इंसान अच्छा भी दिख सकता है, शक्ल नहीं देख सकते। अभी वैसे डिसाइड किया था कि मेरे को हेयर कलर भी लेना है, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं अपन जब हाँ मैंने मना किया, इन्होंने मना कर दिया कि जब अपन चलेंगे कहीं पे घूमने के लिए तब करवा लेना। तो अभी मेरा हेयर कट है, इनका भी हेयर कट है और इनका भी हेयर कट है, तो अपन हेयर कट करवाएंगे। इतने से बालों में रतन एनी कमेंट? रतन जो कि कई महीनों से नहीं नहाई है, पागलों के आज ही नहीं हूँ। Say something. छोटी भैया ने आज छोटी बना दी, देखो मम्मी आपका सपना पूरा हो गया। ये क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं, सुख शांति नहीं थी। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा अगर पैसे आप दोगे। चल रतन के तो मैं दे दूंगी, मेरी तो दे दूंगी, मेरी बहन सगी बहन है ना। हो गया क्या आपका हेयर कट? बढ़ गए फील्ड? ये इन दोनों के बालों की धुलाई चल रही है। ये
हम मेरी कटिंग करवा रहे थे, दोनों के दोनों लग गए यहाँ पे कटिंग करवाने के लिए। दिस इज नॉट फेयर। तीनों की बात हुई थी मेरे को, मेरे को रतन पैसे लगे भी। इन्होंने किया है मेरा हेयर कट और मेरे को बहुत अच्छे से बता दिया इन्होंने कि कैसे क्या करना है। अच्छा मैंने बेसिकली ऐसा हेयर कट किया है ना कि इनको स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में स्टाइल है। जब भी ये भूलेगी ना आपको फोन करके। तो मेरा इन्होंने हेयर कट कुछ अपने हेयर स्टाइल जैसा दिया है, तो आप ऐसे बता दो कि इनका इनका कैसे लग रहा है। इस हेयर कट में ये है कि इनको ज्यादा स्टाइल नहीं देना है, इनको कॉम नहीं करना है, फ्री हैंड स्टाइल है। ऑल ओवर लेयर्स दिए और अच्छा क्रिएटिव लुक दिया है। सो आगे मेरा ऐसा ही हेयर कट बनने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको इनका हेयर कट कैसा है। पूरा आज इनको अच्छा सा क्रिएटिव लुक दिया है। इसका वीडियो नहीं बनाना होता वरना इनके हेयर कट का। इनका वैसे मन नहीं था हेयर कट करवाने का, हमने जबरदस्ती करवा रहे हैं। इधर हो रहा है इनका, बीच में मैं और इधर हो रहा है इनका। क्या अब इनका स्टार्ट हो चुका है। तो इनका भी हेयर कट हो चुका है। कैसा लगा बेबू जी आपको? अच्छा लग रहा है। आज इनके कोई विद्यार्थी के स्वामी है उनके लिए इन्होंने हेयर कट लिया है। नेक्स्ट टाइम फिर हम ही नहीं देंगे। तो हम तीनों का हेयर कट हो चुका है और अब हम घर के लिए रवानगी ले रहे हैं और हम घर पे नहीं बताएंगे और घर पे नहीं बताएंगे कि क्योंकि पता ही नहीं लग रहा हम लोगों का हेयर कट हुआ है क्या, लेकिन बहुत अच्छा बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बाल खुश है। चश्मा दे मेरा और कुछ उनको चश्मा पास है। सो इसी तरह मैं बनाती रहूंगी व्लॉग और इन दोनों को बेमतलब फ्री पॉकेट में लेती रहूंगी। ठीक है। सो आप लोग देखते रहिए मेरे व्लॉग, धीरे धीरे बनाना सीख जाऊंगी मैं और मेरे को झेलते रहिए क्योंकि ये दोनों मुझे झेल रहे हैं। सो व्लॉग देखते रहिए और लोगों क्या मतलब मजा आता होगा तेरे बाल कट रहे। चलो बताओ। चलो अनीता मैम मेरे को ऐसे बोलते हैं कि मतलब व्लॉग बनाने से क्या होता है, लोग बाग क्यों देखते हैं, उनको क्या मजा आता है व्लॉग देने से, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों देखेंगे। तो मेरे को आप लोग के कमेंट से बताना इनका ये जो है ना ये जो प्रॉब्लम है ये क्लियर करना। आप लोग अनु को मैसेज करना पर्सनली सभी लोग। हाँ इनको मैसेज करके बताना कि क्यों आप लोग मेरा व्लॉग क्यों देखते हैं। ठीक है बाय 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 बाय। बेटा पापा का फोन आ गया।